अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो साइकाइट्री में जो अगली डिजीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इट इज़ शिज़ोफ्रेनिया। मैंने आपको मूड डिसऑर्डर्स बता दी, उसमें दो ही मेजर थे, डिप्रेशन और बाइपोलर। और एक और वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं अगले जो मूड डिसऑर्डर्स हैं जो कॉमनली प्रेजेंट नहीं करते, जिसमें साइक्लोथाइमिया है, प्रीमेंस्ट्रुअल डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। पहले हम उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ की बात कर लें, विच इज़ शिज़ोफ्रेनिया। नाम वैसे भी आपने सुना होगा, तो बेसिकली इट इज़ अ डिजीज़ दैट इफेक्ट्स थिंकिंग, परसेप्शन एंड इफेक्ट। इफेक्ट आपको पता है कि हम जो साइकाइट्री में इफेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो होता है कि मूड जो हम यानी परसीव करते हैं ना, उसको इफेक्ट कहते हैं। पेशेंट अपना मूड किस तरह से बताता है, उसको हम कहते हैं मूड, यानी उसका मिजाज कैसे है। लेकिन उसका मूड जो वो बता रहे हैं वो अपनी जगह। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट हमें देखने में बहुत लो लग रहा है, बहुत उदास लग रहा है, हम उसे पूछते हैं आपका मिजाज कैसे, वो कहते हैं खुश हूँ, ठीक है। लेकिन ये उसने बताया ऑब्जेक्टिवली कि उसका ठीक है, लेकिन इफेक्ट ये है कि हमें वो कैसा महसूस हो रहा है, हमें तो लो लग रहा है, वो उसका इफेक्ट है। तो ऐसा डिसऑर्डर ब्रेन का जो आपकी सोच को, आपके समझने की एबिलिटी को और आपके मिजाज, तीनों को अफेक्ट करता है, उसे शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसकी प्रेवलेंस 1 in 100 है और इसका जो ऑनसेट है वो ज़्यादातर यंगस्टर्स में यानी टीन एज ग्रुप में भी हो जाता है, और आपके 20s में, early 20s में ये आपको फुल ब्लोन अक्सर आ जाता है। लेटर ऑनसेट कम है इसमें एज़ कम्पेयर टू बाकी डिजीजेज के। अच्छा, एटियोलॉजी आपको पता है जिस तरह कोई खास किसी मेंटल डिजीज़ की नहीं होती, इसमें भी बहुत सारे जेनेटिक, बायोलॉजिकल, फंक्शनल बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसको डिटेल में जाने की या फिर बात भी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे लेवल पे नहीं है। रिस्क फैक्टर्स की अगर थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ तो वो इस तरह से है कि फैमिली हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को आपको पेशेंट शिज़ोफ्रेनिया का डायग्नोस होता है तो आप लाजमी उससे पूछेंगे उसकी फैमिली में कोई ना कोई और भी शिज़ोफ्रेनिया मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। आपके अगर बहन भाइयों में रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्विन्स होंगे तो रिस्क, अगर मोनोज़ाइगोटिक ट्विन्स है तो 50% है दूसरे ट्विन में, ठीक है। अगर दूसरे डायज़ाइगोटिक है तो 12 या 15% है दूसरे ट्विन में। ये कभी कभार MCQ आ जाते हैं, इसलिए जहन में रखना है आपने, ठीक है। 15% है डायज़ाइगोटिक के केस में। और वैसे अगर पेरेंट्स में या फिर किसी फैमिली में जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनमें शिज़ोफ्रेनिया होगा तो आपके अपने पेशेंट में होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। प्रेगनेंसी के दौरान मेल न्यूट्रिशन यानी कि खुराक की कमी अगर हो या फिर वायरल इन्फेक्शन से बच्चा प्री डिस्पोज हो तो उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है शिज़ोफ्रेनिया होने का लेटर इन लाइफ। अच्छा, कहते हैं कि जो चर्स है यानी कैनबिस है वो जो लोग इस्तेमाल करते हैं खासतौर पे अर्ली टीन एज में, उनमें भी ये होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। सोशल फैक्टर्स में कोई जो नेगेटिव सोशल आप शुरू में ही देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर्स आते हैं, यानी मैंने जिस तरह को बताया बहुत बड़ा फेलियर इन लाइफ या फिर बहुत ज़्यादा किसी की मेजर बंदे की डेथ हो जाना, ये सारे नेगेटिव सोशल फैक्टर्स के तौर पे रोल प्ले करते हैं और इसकी वजह से भी ये शिज़ोफ्रेनिया होने का खतरा होता है। और एथनिसिटी में कहते हैं कि जो वाइट रेस के लोग हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है, बट इसकी मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, टाइप्स आपको लाजमी आनी चाहिए। वैसे तो जब आप डायग्नोसिस बनाने के लिए बैठे होते हैं तब तो आपको लाजमी टाइप्स का पता हो कि ये वाली टाइप ऐसी होती है तो मैं इसको कौन से वाले शिज़ोफ्रेनिया में लाऊंगी, लेकिन पढ़ने के लिए भी आपकी MCQs में और आपके SEQs में और आपके वाइवा में टाइप्स पूछते हैं, तो आपको मोटा मोटा सा एक एक रिस्क ऐसा फैक्टर पता हो कि ये टाइप उससे कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले आ गई पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में बिल्कुल क्लियर कट साफ नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय पैरानोया, ठीक है। पैरानॉइड सिम्टम्स या पैरानॉइड डिल्यूजन्स होती हैं, इसमें ज़्यादा बेहतर ये कहना चाहिए। पैरानोया का मतलब ये है कि मेरा कोई बहुत करीब का बंदा मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है, मुझे यकीन है इस बात का, ये होता है पैरानोया। पैरानोया हमेशा इस बात को कहते हैं कि जब आप दूसरों पे शक करते हो, वो दूसरे ज़्यादातर आपके कोई भी हो सकता है, कोई आपकी फैमिली में से, कोई फ्रेंड्स में से, कोई आपकी प्रोफेशनल लाइफ के कलीग्स में से जो हो सकते हैं, लेकिन आप किसी पे शक करते हो कि भाई ये बंदे हैं ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, कि ये मेरे खिलाफ़ है, और इस बात का आपको पक्का यकीन हो तो पैरानॉइड डिल्यूजन्स होती हैं। तो जिस शिज़ोफ्रेनिया में ये प्रेजेंट होती हैं और उसके साथ साथ इस पेशेंट को ऑडिटरी हेलुसिनेशंस यानी इसको आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आती हैं कि मैं सुन सकती हूँ कि वो दो लोग मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, वो मुझे नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहे हैं, ये होता है आपका पैरानॉइड टाइप शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है, जो आपके पेशेंट जब ऐसी कंप्लेंट्स करता है। तो फिर आ जाते हैं हेबिफ्रेनिक। हेबिफ्रेनिक ना ज़्यादातर होता है आपके एडोलेसेंट्स में, यानी जो यंग एडल्ट्स होते हैं ना, टीन एज से के शुरू के उनमें आता है। और इसमें आपकी जो दो तीन फीचर्स होते हैं उसमें एक आता है फ्रेगमेंट्री हेलुसिनेशंस। इसका मतलब ये होता है कि इस बंदे को नज़र आती हैं, ठीक है, नज़र क्या आती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब ऐसे होता है कि उसे वो कहते हैं कभी मुझे उड़ती हुई चीज़ें हवा में नज़र आती हैं, कभी मुझे कुछ महसूस होता है, अजीब वो गरीब किस्म की इसकी हेलुसिनेशंस होती हैं। एक तो पैरानोया नहीं होता, और उसके अलावा वही वाली बात है कि डिल्यूजन्स होती हैं कि फलाना ऐसा होगा, फलाना ऐसा होगा, लेकिन इतना पक्का कोई पैरानोया नहीं होता, ये हेबिफ्रेनिक होता है, ठीक है। सिंपल वो होता है जो सिंपल कंसिस्ट ऑफ
नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि शिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ नेगेटिव सिम्टम्स। तो जो सिंपली नेगेटिव सिम्टम्स वाला होगा, जिसमें पॉजिटिव नहीं होंगे, वो आपका सिंपल शिजोफ्रेनिया है। कैटाटोनिक वाला शिजोफ्रेनिया बहुत डिफरेंट होता है। इसमें आपके पास ना पेशेंट देख के आपको ये पता चलेगा कि कैटाटोनिक है, क्योंकि पेशेंट की बड़ी ऑड पोस्चरिंग होती है, वो अजीबो गरीब किस्म की शक्ल, मतलब उसने रिजिडिटी बग्स, जिस तरह होता है ना एक पेशेंट जिसको हम कहते हैं वो लेके आएंगे आपको इमरजेंसी में, उसके रिश्तेदार भागते भागते कि इसने अचानक से हाथ पांव मुड़ गए हैं और समझ नहीं आ रहा, तो वो हाथ पांव मुड़ने के डिफरेंट रीजंस होते हैं, डिसोसिएशन उसकी एक रीज़न होती है। लेकिन अगर वो नॉन शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है तो कैटाटोनिक टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया के वो होते हैं जिनके हाथ पांव एक अजीब किस्म के पोस्चर में, उन्हें अकड़ाए हुए होते हैं, और पोस्चरिंग एंड रिजिडिटी होती है इनमें, और उसके साथ साथ स्टूपर प्रेजेंट होता है। स्टूपर का मतलब ये है कि देख, मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो अपनी सेंस में ही नहीं है, अजीबोगरीब बातें करना, फजूल में हंसना, फजूल में बोलना, मतलब कुछ सेंस वाली बात नहीं वो करते, सेंसलेस बातें करते हैं ये वाले लोग। तो फिर भी कहते हैं ना, उनसे पूछो कि आपको क्या लग रहा है, वो बताते हैं कि फलाना मेरे खिलाफ है, हमारी बात का जवाब देते हैं। ये लोग आपकी बात का जवाब नहीं देते सही से, कैटाटोनिया वाले, और बड़े डिफरेंट नजर आते हैं ऑड पोस्चरिंग एंड रिजिडिटी की वजह से। अनडिफ्रेंशिएटेड वो होता है जो इनमें से किसी में फिट ना हो रहा, वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। और रेजिडुअल वो होता है जिसमें पहले पॉजिटिव सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थे, अब पॉजिटिव सिम्टम्स बर्न हो चुके हैं, ख़त्म हो गए, और अब सिर्फ नेगेटिव है। सिंपल में क्या था, पॉजिटिव नहीं थे और नेगेटिव थे, इसमें पॉजिटिव हो गए, ख़त्म हो गए और नेगेटिव रह गए हैं, तो ये रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया, ये नाम याद रखने हैं, ठीक है जी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स की ज़रा सी बात कर लें, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे लाजमी वाइवा में पूछेंगे, और कुछ पूछे ना पूछे शिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स पूछते हैं, ये तो आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे रट लेने हैं। तो वो इस तरह से होते हैं, ये याद रखना है कि पॉजिटिव सिम्टम्स में कोई अच्छी बात नहीं हो रही, पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब है कि ये चीज़ें पेशेंट के अंदर बढ़ रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, और नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब है कि ये उसकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मतलब कमी की तरफ आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल बंदों को अपनी सोच सुनाई नहीं देती, जो पॉजिटिव सिम्टम एक ये होता है कि शिजोफ्रेनिया का बंदा कहता है कि मुझे अपनी सोच कानों में सुनाई देती है, एक होता है दिमाग में आना, एक होता है मेरी सोच ही मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रही है, उसे थॉट एको कहते हैं। ये एक पॉजिटिव सिम्टम, मतलब कोई चीज़ ऐड ऑन हो रही है, कोई चीज़ पेशेंट को एक्स्ट्रा महसूस हो रही है जो नॉर्मल को नहीं होती। इसी तरह दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बंदा मेरे अंदर से मेरी सोच निकाल लेता है, और कोई बंदा मेरे अंदर कोई अपनी किस्म की सोच डाल देता है, इसको कहते हैं थॉट इंसर्शन एंड थॉट विड्रॉल, कि कोई और आपकी सोच निकाल रहा है, मतलब इसका मकसद होता है पेशेंट का ये कहने का कि मैं अपनी सोच को पर खुद काबू नहीं कर पा रहा, कोई और मेरे अंदर सोच डालता है और कोई और निकालता है। फिर तीसरी चीज़ होती है थॉट ब्रॉडकास्टिंग, जो मैं सोच रहा हूँ वो टीवी पर नशर हो रहा है, वो सारे लोग देख सकते हैं, उस बंदे ने मेरे खिलाफ साजिश की है, जिसकी वजह से मेरी सोच टीवी पर या किसी मीडिया पर नशर हो रही है, इसे थॉट ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। फिर थर्ड पर्सन हेलुसिनेशंस, वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसे बंदे की आवाज़ आती है जो मेरे खिलाफ प्लान बना रहा है, वो कोई और है, मैं नहीं जानता वो कौन है, तो इसको कहते हैं हम थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, कि आपको ऐसी बातें सुनाई दे रही हैं, वो कहते हैं मुझे बाकायदा आवाज़ आती है कि मेरे खिलाफ एक पूरी साजिश रचाई जा रही है, लेकिन आई डोंट नो किसकी आवाज़ होती है। एक ये आ गया। फिर डिल्यूजनल परसेप्शन, मैंने आपको बताया कि फर्म बिलीफ होता है उसको, जो वो कह रहा होता है वो उसके अनशेकेबल बिलीफ्स हैं, हम कहें कि ऐसा नहीं है तो वो नहीं मानता कि नहीं ऐसा ही है। फिर सोमैटिक पैसिविटी, मतलब जिसको कहते हैं कि जो उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस है वो थोड़े उसमें पैसिव हो चुका होता है, वो पीछे चले गए होते हैं, जो उसकी स्लीप एपिटाइट वगैरह। ऑड बिहेवियर्स, मैंने आपको बताया है कि बिला वजह हंसना, कोई रीज़न के बगैर कुछ भी सेंसलेस किस्म की बात कर जाना, ऑड पोस्चरिंग होना, रिजिडिटी आ जाना, ये सारे इसके ऑड बिहेवियर्स में आते हैं। एंड लैक ऑफ इनसाइट, पेशेंट को बिल्कुल नहीं पता होता कि उसको कोई प्रॉब्लम है। आप कई ऐसे डिप्रेशन के मरीज देखेंगे जिनसे आप पूछेंगे कि आपको लगता है आपको कोई ज़हनी बीमारी हो, कहेंगे हाँ हमें लग रहा है कि हमें है और हमें दवाई की ज़रूरत है। बट जो ये पेशेंट्स होते हैं इनकी टोटल लैक ऑफ इनसाइट होती है, वो कहते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, एंड दे डोंट नो कि वो हॉस्पिटल में क्यों आए हैं, या हॉस्पिटल में आए हैं या नहीं आए, मतलब उनको अपनी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं होता, लैक ऑफ इनसाइट होती है। ये हो गया पॉजिटिव सिम्टम्स। नेगेटिव में आते हैं जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ब्लंटेड इफेक्ट। ब्लंटेड इफेक्ट का मतलब ये है कि पेशेंट की जो जनरल रहने उसका मूड का था और सब कुछ तरीके थे, वो सब कुछ बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। एपैथी, इसका मतलब होता है कि जो डेली एक्टिविटीज़ में पहले जो इंटरेस्ट था, जो जॉय थी, जो कंसंट्रेशन थी, वो डिक्रीज़ हो गई है। एपैथी उसको कहते हैं। अब वो इंटरेस्ट, वो जॉय, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सोशल आइसोलेशन, अपने आप को दूसरों से बिल्कुल अलहदा कर देता है। पॉवर्टी ऑफ स्पीच होती है, ये लोग बात बहुत छोटी करते हैं, बहुत मुख्तसर हो जाती है इनकी, वो बात लंबी करना ही नहीं चाहते। नेगेटिव सिम्टम है ये कि उनके पास बात करने के लिए होती नहीं है। पॉवर्टी ऑफ स्पीच होते हैं, पुअर सेल्फ केयर, डेफिनेटली वो अपना ख्याल नहीं रखते।
ठीक है, तो ये हो गए सिम्टम्स। अब इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशन, जो मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन, वो अगले पार्ट में करेंगे। किसी कोई मसला हुआ कि ना? थैंक यू।